नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और एक बड़ी खबर के साथ मैं हूं आपके सामने। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव टल गया है और कोरोना की वजह से ये फैसला पार्टी को लेना पड़ा है। और आप देख रहे हैं कि कोरोना ने न केवल आम आदमी की जिंदगी पे बल्कि राजनीतिक पार्टियों का जो कामकाज है, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनके भावी प्रोग्राम है, उनको भी अपनी चपेट में लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर से टल गया है और ये जो है कोरोना को देखते हुए ये कदम पार्टी को उठाना पड़ा। दूसरी लहर अपने पूरे चरम पे है, ऐसे में पार्टी ने ये फैसला लिया। और मैं आपको बता दूं कि पहले से जो तय डेडलाइन के मुताबिक मीटिंग में 23 जून को चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की बुरी वाली स्थिति का हवाला देके कहा कि ऐसे में फिलहाल चुनाव कराना ठीक नहीं होगा। गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा जैसे नेताओं ने भी गहलोत का समर्थन किया। इससे पहले जनवरी में पार्टी ने तय किया था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जून के अंत तक पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। मैंने इस दौरान वो अपनी जो उन्होंने 5 राज्यों में क्या किया उनकी पार्टी ने, इस पे एक बातचीत भी होती, समीक्षा भी होती और इसी दौरान वो अपने नए नेता का चयन भी कर लेते हैं। बैठक में 4 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के बेहद खराब प्रदर्शन पे चर्चा हुई और अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हार पर चिंता जाहिर की। जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि हार पर हमें ध्यान देना होगा, अगर सच्चाई से मुंह फेरा तो सही सबक नहीं मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि वो एक ग्रुप बनाना चाहती हैं जो इस हार के हर पहलू पे विचार करेगा और ये समझना होगा कि केरल और असम में पार्टी क्यों हारी और बंगाल में पार्टी के हाथ में क्यों कुछ नहीं लगा। ये सारे कड़वे सवाल हैं जिनका पार्टी को सामना करना पड़ेगा। अगर इन्हें नजरअंदाज किया तो कभी पार्टी सबक नहीं ले पाएगी। और वहीं सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि कोरोना के कारण देश में काफी हालात बिगड़ रहे हैं। पहली बार उन्होंने कोरोना पे अपना मुंह खोला है और ये कहा कि लगातार सरकार विफल हो रही है, जनता मोदी सरकार की लापरवाहियों का खामियाजा भुगत रही है। मोदी सरकार ने वैज्ञानिक सलाह को नजरअंदाज किया और सरकार ने अपने फायदे के लिए लगातार सुपर स्प्रेडर इवेंट्स को मंजूरी दी। अब सुपर स्प्रेडर इवेंट्स से आप अंदाज लगाइए कि सोनिया जी कहाँ निशाना साध रही हैं। इससे पहले 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही सोनिया गांधी ने बतौर कार्यकारी अध्यक्ष फिर से पार्टी की कमान संभाली थी और इसके बाद से ही कांग्रेस नेताओं का एक गुट फुल टाइम एक्टिव प्रेसिडेंट चुनने की मांग कर रहा है। वहीं गांधी परिवार से अलग अलग अध्यक्ष बनाने की मांग भी उठती जा रही है। पिछले साल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के कामकाज के तरीके पे सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि 5-स्टार कल्चर से चुनाव नहीं जीते जा सकते। आज नेताओं के साथ ये दिक्कत है कि अगर उन्हें टिकट मिल जाता है तो सबसे पहले वो 5-स्टार होटल में रूम बुक कराते हैं, सड़क खराब है तो वो उस पर नहीं जाएंगे। आजाद ने यह कहा कि जब तक इस कल्चर को छोड़ा नहीं जाता तब तक कोई चुनाव जीता नहीं जा सकता। पिछले 72 साल में कांग्रेस सबसे निचले पायदान पे है और कांग्रेस के पास पिछले 2 कार्यकाल के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद भी नहीं है। वहीं पार्टी से नाराज 23 नेताओं ने इस मसले पे सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी थी, जो आप सब लोग जानते हैं। इसमें कपिल सिब्बल के साथ गुलाम नबी आजाद भी शामिल थे और चिट्ठी में पार्टी के ऊपर से नीचे तक बदलाव लाने की मांग की गई थी। इस चिट्ठी में नेताओं ने सोनिया गांधी से फुल टाइम लीडरशिप की मांग की थी। जो फील्ड में एक्टिव रहे हैं उसका असर भी दिखाई दे, ये वो चाहते थे। तो दोस्तों,
ये थी कांग्रेस से जुड़ी हुई खबर। आज उनको अपना नेता चुनना था जो चुना नहीं जा सका कोरोना की वजह से, और ये चुनाव टल गया है। और 23 जून तक चुनाव कराने का प्रस्ताव था पहले पार्टी में, लेकिन अभी वो पोस्टपोन कर दिया गया। तो ये थी कांग्रेस के नेता के चुनाव से जुड़ी खबर। आप मेरे साथ बने रहिए, जो भी अपडेट होगा इससे जुड़ा हुआ मैं आपको ज़रूर दूंगी। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।